पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला शनिवार को झज्जर पहुंचे। चौटाला झज्जर में जहां कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, वहीं अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में बीजेपी व कांग्रेस पर भी कटाक्ष किए। चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है और गरीब आदमी के अधिकारों को कुठाराघात किया है, उन लोगों को अपनी सत्ता आने के बाद वहां भेज दूंगा जहां आजकल मैं हूं। चौटाला यही नहीं रुके, जहां उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस पर प्रहार किया, वहीं अपनी पार्टी के गद्दारों पर चौटाला ने तीखा प्रहार किया। चौटाला ने कहा कि पार्टी की काली भेड़ों को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप लोग दगाबाजों और धोखेबाजों को दोबारा पार्टी में शामिल करने के लिए मुझे मजबूर मत करना। चौटाला ने कहा कि पिछले 12 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आज तो हमारे कई दफा आए, लेकिन हमने राज के माध्यम से दुर्भावना पूर्वक काम नहीं किया। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी में अच्छे लोगों को जोड़ो। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार आने के बाद आप लोगों के ऐसे कानून बना दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ियों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झज्जर से जाट टीवी न्यूज के लिए सोनू थनक्कड़ की रिपोर्ट।